नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केदी और आप सभी का पढ़ाई टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि नेपाल और भारत के बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और कल ही नेपाल ने अपना नया नक्शा पेश किया है संसद में और उसमें जो भारतीय क्षेत्र है उसको अपना बताया है। देखिए, इस नक्शे में लिम्पाई धूरा, लिपू लेक और काला पानी के अलावा गुंजी, नावी, कोटी गाँव को भी शामिल किया गया है, इनको भी अपना बताया। तो ये जो एरिया है वो पूरा 395 वर्ग का एरिया है, भारतीय इलाका है, जिसको नेपाल अपना बता रहा है और वो नक्शा पास किया है। कुछ भी जानने से पहले एक बार इस नक्शे को देख लीजिए। ये है नेपाल का नया नक्शा जो पेश किया गया है। तो आज की वीडियो में हम सारे डिस्प्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हिस्ट्री है, क्या इशू है, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, नेपाल का क्या दावा है, भारत का क्या दावा है और कौन सही है कौन गलत है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी डिस्प्यूटेड जगह हैं जिनकी वजह से डिस्प्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है लिम्पाई धूरा, लिपू लेक और काला पानी, यही डिस्प्यूटेड जगह हैं जिनकी वजह से भारत और इंडिया के बॉर्डर के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। मतलब सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है नेपाल को, भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी माना जाता है, लेकिन आज इन जगहों की वजह से भारत और नेपाल के रिश्ते के बीच में खटास आई है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिरकार इशू क्या है। कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब लिपू लेक से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक रास्ते का उद्घाटन किया था, एक सड़क का उद्घाटन किया था, तभी नेपाल ने इसका विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि भारत ने जब इसका उद्घाटन किया था तब भारत ने नेपाल से इसके बारे में कोई बैठक नहीं की थी, लेकिन सड़क का वो उद्घाटन कर दिया था जिससे जो मानसरोवर जाने वाले यात्री हैं उनको सुविधा हो सके, उनके लिए अच्छा हो, तब भी नेपाल ने इसका विरोध किया था। उसके बाद 2 नवंबर को भारत ने जब अपना नया नक्शा जारी किया था, विदेश मंत्री ने उन्होंने इसका विरोध किया था, इस पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो काला पानी है वो उनके देश का अभिन्न हिस्सा है जबकि भारत ने उसको अपने नक्शे में दिखाया है। फिर उसके बाद नेपाल ने जब अपना नया नक्शा जारी किया तो ये काला पानी, लिपू लेक और ये लिम्पाई धूरा को अपने क्षेत्र में दिखाया, ना कि भारत के क्षेत्र में दिखाया। यहीं से विवाद जो है स्टार्ट हुआ था। अब ये विवाद की तरफ आगे बढ़ने से पहले, इसके सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ने से पहले, हम देखिए सबसे पहले हम इतिहास को देख लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री को जानना, इस डिस्प्यूट की हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से शुरुआत हुई। इस पूरे विवाद को जानने के लिए हमें 200 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 1814 में, जब गोरखा किंगडम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें एंग्लो नेपालीज वॉर, जो एंग्लो नेपालीज वॉर भी बोला जाता है इसको, युद्ध की वजह नेपाल के गोरखा किंगडम का तेजी से विस्तार था। इस किंगडम ने वेस्ट में आने वाली सतलज नदी से लेकर ईस्ट की तिश्ता नदी तक अपने साम्राज्य को फैला दिया था। सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल पर गोरखा किंगडम का कब्जा हो गया था। अब 1816 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी तिब्बत के साथ व्यापार करना चाहती थी और इसी के लिए उन्होंने नेपाल के राजा से रास्ता मांगा व्यापार के लिए, लेकिन नेपाल के राजा ने रास्ता देने से मना कर दिया था। उस समय भारत के अवध और नेपाल के बीच तराई रीजन को लेकर बाउंड्री डिस्प्यूट भी चल रहा था। अंग्रेजों ने इसी को कारण बनाकर गोरखा किंगडम के साथ युद्ध छेड़ दिया, जो 1814 से लेकर 1816 तक चला। इस युद्ध में गोरखा सैनिक बहुत ही बहादुरी से लड़े, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काफ़ी एडवांस हथियार थे। जब गोरखा किंगडम को लगा कि वह जीत नहीं पाएगा तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी साइन की, इसे संगोली के नाम से जाना जाता है, इसे संगोली की ट्रीटी भी कहा जाता है। अब 4 मार्च 1816 को ये ट्रीटी साइन की गई, जो कि बिहार के चंपारण के संगोली रीजन में की गई थी। अब संगोली ट्रीटी के तहत नेपाल के राजा को कमाऊ, गढ़वाल, सिक्किम और तराई के इलाकों को ब्रिटिशर्स को सौंपना पड़ा। अब इस ट्रीटी के साइन होने के बाद क्या हुआ कि जो महाकाली रिवर थी उसको बाउंड्री बनाया गया नेपाल और भारत के बीच की, मतलब उस तरफ का हिस्सा नेपाल, उस रिवर से उस तरफ का हिस्सा नेपाल का माना जाएगा और रिवर से इस तरफ का हिस्सा भारत का माना जाएगा। आज भी इसी आधार पर नेपाल की बाउंड्री डिफाइन की जाती है। अब ये विवाद शुरू होता है कि नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री महाकाली रिवर है और इसे शारदा रिवर भी कहा जाता है इंडिया में। मैप पर जब आप देखेंगे तो इस रिवर के 2 सोर्स दिखाई देते हैं। एक सोर्स है लिम्पाई धूरा, जहाँ से निकलने के बाद ये रिवर फैली हुई दिखती है, जबकि दूसरे सोर्स काला पानी से पतली सी नदी निकलती है। जब ये ट्रीटी हुई तो ब्रिटिशर्स और गोरखा किंगडम के सामने यही प्रॉब्लम थी कि बाउंड्री को रिवर के किस सोर्स के आधार पर जाना जाए, क्योंकि लिम्पाई धूरा से निकलने के बाद नदी फैली हुई थी, इसलिए दोनों ने तय हुआ कि इसी को बाउंड्री का आधार माना जाएगा और ब्रिटिशर्स ने भी इसी आधार पर अपना नया मैप बनाया था। अब 1860 में कुछ समय के बाद जब ब्रिटिशर्स को लगा कि नेपाल को मिली जमीन का वो टुकड़ा रणनीतिक रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है, मतलब ज़रूरी है, तो उन्होंने चालाकी से 1860 के दशक में इस मैप को बदल दिया।
ब्रिटिशर्स अब दूसरे सोर्स काला पानी को बाउंड्री का आधार बताने लगे, मतलब जो पतली सी रिवर थी उसको बताने लगे। अब उस समय नेपाल किंगडम को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ ना तो ज़्यादा लोग रहते थे और केवल एक रास्ता गुजरता था जो कैलाश मानसरोवर के लिए जाता था। इसके बाद नेपाल ने अपने मैप में भी कभी लिम्पाई धुरा को शामिल नहीं किया। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ तो उस समय भारत ने नेपाल की मोनार्की से परमिशन मांगी थी कि वो अपनी आर्मी को वहाँ तैनात कर सकते हैं कि नहीं, तो नेपाल ने इससे कोई परेशानी नहीं जताई थी और उन्होंने इंडिया को परमिशन दे दी थी। तब से लेकर आज तक इस इलाके में इंडियन आर्मी तैनात है। लेकिन 1990 में ये विवाद और बढ़ गया जब नेपाल में लोकतंत्र आया, लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, सरकार ने पुराने दस्तावेज खंगाले। इसके बाद से नेपाल इस इलाके को विवादित मानने लगा। अब जुलाई 2000 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नई दिल्ली में इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने को लेकर बातचीत की। लेकिन जब भारत ने उस इलाके से अपनी आर्मी को उठाने से इनकार कर दिया तो ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। साल 2015 में भारत और चीन ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट में दोनों देशों ने तय किया था कि वह लीपू लेक पास को ट्रेड रूट की तरह इस्तेमाल करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ने उस वक्त इसे लेकर नाराजगी जताई थी। उसके बाद आता है अब 2019 वाला इशू जो मैंने आपको बता दिया, मानसरोवर सड़क को लेकर इशू। उसके बाद भी नेपाल ने इस पर कड़ी नाराजगी और विरोध जताया है। अब उसने उनको अपने मैप में शामिल कर दिया जो डिस्प्यूटेड लैंड है। अब देखते हैं कि क्या नेपाल का स्टैंड है इसको लेकर, क्या भारत का स्टैंड है। देखिए अब इस इशू को लेकर नेपाल का स्टैंड है कि नेपाल जो सिगोली है ट्रीटी है उसी को आखिरी ट्रीटी मानता है। इस ट्रीटी के बाद दोनों देशों के बीच में बॉर्डर को लेकर कभी भी कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई, इसलिए वह इसी आधार पर अपने इलाके को डिफाइन करने की बात कह रहा है। और दूसरी बात वो ये भी कह रहा है कि जब 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था तब इंडिया ने परमिशन ली थी अपनी आर्मी को उस इलाके में तैनात करने के लिए। उसके बाद से वो इलाका उन्होंने उस समय परमिशन दे दी थी, लेकिन उसके बाद किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि मानसरोवर की सड़क बनाने के लिए भी भारत ने उस चीज़ से परमिशन नहीं मांगी। लेकिन वहीं भारत का स्टैंड पक्ष ये है कि सालों से वह काला पानी को बाउंड्री के आधार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। नेपाल के किसी भी किंगडम को इससे परेशानी नहीं हुई। 1990 में नेपाल में लोकतंत्र के आने के बाद भी इसी बॉर्डर को माना गया। ऐसे में अचानक से केपी ओली शर्मा सरकार का इसे अपना हिस्सा बताना सही नहीं। गाइस नेपाल और इंडिया के बॉर्डर का डिस्प्यूट ये था सारा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, हिस्ट्री इशू क्या थे और इसका सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, डिस्प्यूटेड लैंड बहुत सारी है दुनिया में, हर हिस्से में हर कंट्री की कोई ना कोई डिस्प्यूटेड लैंड है। वो सालों पहले किसी और की थी और सालों के बाद किसी और की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अचानक से एक दिन उठ के आओगे, सरकार बदल जाएगी और इस लैंड को मांगने लग जाओगे। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट इस डिस्प्यूट को निकल कर आते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।